गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका टेक सलाहकार अमलेश कुमार आज इस नए वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, आज जो फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं उस फंक्शन का नाम है डेटेड इफ़। एक फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर किसी डेट ऑफ बर्थ से आप एज निकालना चाहते हो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन है, तो मैं आपको इस फंक्शन के बारे में बताऊंगा। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कॉलम हमारा जो है वह है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। ध्यान रहे कि जो भी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, सबसे पहले इस कॉलम को आप क्या करें, डेट फॉर्मेट में आप चेंज कर दें। क्या करना पड़ेगा आपको, डेट फॉर्मेट में आपको चेंज कर लेना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारा ये जो कॉलम है वह डेट फॉर्मेट में चेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यदि ये नहीं है तो आप इसको यहाँ क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट में आपको चेंज करना होगा। ठीक है, डेट फॉर्मेट में चेंज करने के बाद आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेरी है वह क्या है कि किसी के डेट ऑफ बर्थ से आप एज कैसे निकालेंगे, वो भी नंबर में एज कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई किया है, तो मैं इसको हटाकर मैं फिर से बात कर लूँ कि कैसे निकालना है। तो जैसा फंक्शन मैंने बताया, आप फंक्शन यूज करेंगे डेटेड इफ एंड देन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस सेल को आप सिलेक्ट कर लिए, देन आप यहाँ कॉमा सेपरेटर यूज करेंगे। और यदि आज के डेट पर लेना हो, आज के डेट के अनुसार निकालना है, तो यू हैव टू यूज टू डे फंक्शन आप यूज कर ले एंड फिर आप कॉमा दें। डबल कोड में आपको ओनली ईयर चाहिए, आपको नंबर में ईयर चाहिए, तो आपको यहाँ पर वाई यूज कर दीजिए डबल कोट के अंदर। जब आप यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एज जो है आज के डेट के अनुसार एज जो हमारा वह कैलकुलेट होकर आ गया। आप इसको ड्रैग कर दें, सभी का जो है एज जो है वह आ जाएगा, वो जो भी एज दिख रहे यहाँ वह आज के डेट के अनुसार आ जाएगा। दूसरा जो क्वेरी है यहाँ पर कि आज के डेट के अनुसार नहीं लेना चाहते, आज के डेट के अनुसार नहीं लेना चाहते, आप पार्टिकुलर डे या कुछ आप मेंशन करना चाहें, तो आप क्या करेंगे, टू डे फंक्शन के स्थान पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डे डाल दें आप। यानी तो आप एक काम कर सकते हैं, सपोज मान के चलिए कि यहाँ मैंने क्या किया, मैं अभी थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ, उससे जैसा एज इट इज़ था मैं उसको मैं कर दूँ, टू डे यहाँ मैंने लगा दिया और मैंने इंटरप्रेस कर दिया। अभी क्या है कि आज के डेट के अनुसार नहीं लेना, आप किसी ईयर के अनुसार लेना है आपको, कोई एक स्पेसिफिक डेट है, मान के चलिए कि वह 1 अप्रैल 2021 से लेना है, या हम लेते हैं जैसे सपोज मैं लेना चाह रहा हूँ 12 then 4 and then 2021 के अनुसार लेना चाहता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आप जब लगाना चाहते हैं आप फार्मूला, तो देखिए यहाँ पर जो टूडे दिए हैं जो आज के डेट के अनुसार नहीं लेना चाहते, तो आप इस टूडे फंक्शन को हटा दीजिए। टूडे फंक्शन क्या करता है, आज का वह डेट ले लेगा और आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो 12/4/2021 के अनुसार आपका जो है वह एज यहाँ पर नंबर में आ जाएगा। देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, यदि कोई पूछता है नहीं आज के डेट के अनुसार निकालना है तो आज के डेट के अनुसार निकाल सकते हैं, या नहीं तो फिर आप स्पेसिफिक के अनुसार निकालना चाहते हैं, पार्टिकुलर डेट के अनुसार निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ मैं इसको एज इट इज़ फिर से कर देता हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या यूज़ करना है आपको, डेटेड इफ़ लगाना है और डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है वहाँ निकाल लें, कॉमा से सेपरेट करें एंड आज के अनुसार करना है तो आप क्या करेंगे, टू डे फंक्शन लगाएंगे। एंड आपको ओनली ईयर चाहिए, तो यू हैव टू यूज डबल इन डबल कोट वाई यूज करेंगे। अब इसके बाद इंटरप्रेस कर दे तो वह एज आपका नंबर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज आपको मंथ निकालना है। आपको क्या निकालना है, मंथ निकालना है, आज के डेट में मंथ निकालना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे निकालना है। फार्मूला आपको सेम फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वह फार्मूला क्या है, डेटेड इफ है, तो यूज करें इक्वल टू, देन आप यूज करें डेटेड इफ एंड देन आप क्या करेंगे, जो भी एज है आपका डेट ऑफ बर्थ है वो ले कॉमा सेपरेट कर दे एंड आज के डेट के अनुसार लेना है कि आज के डेट के अनुसार हमारा कितना हो रहा है, तो टू डे लगा दीजिए यहाँ पर एंड देन यहाँ पर आप डबल कोड में वाई एम लगा दीजिए।
वाई है मतलब ईयर एंड मंथ दोनों दिखेगा आपको, मतलब ईयर और मंथ के अनुसार लेगा। अब यहाँ पर इसको इंटरफेस कर दीजिए, तो आप देख रहे होंगे कि इस बच्चे का, पंकज कुमार का जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2005 है, उसका एज जो है ईयर हम कह सकते हैं 16 ईयर्स है, और जो वह क्या है, वह क्या है आपका एज इन मंथ 11 दिख रहा है, आपका क्या दिख रहा है 11 मंथ दिख रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एंड यदि आपको डे चाहिए तो आज के डेट के अनुसार उसका डे क्या है, तो सेम आप लगाएंगे डेटेड इफ, डेटेड इफ लगाएंगे एंड डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद आप कॉमा सेपरेट करें, आज के अनुसार उसका डे क्या है आपका, तो टुडे फंक्शन लगा दीजिए। एंड टुडे फंक्शन लगाने के बाद आप यहाँ पर एमडी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए एमडी लगा दिए मंथ एंड डे के अनुसार, तो आप यहाँ इंटरफेस कर दीजिए, आप इंटरफेस कर दीजिए। तो आज के डेट के अनुसार जो है इस बच्चे का, पंकज कुमार का जो है वह डेट ऑफ बर्थ जो है वह आप कह सकते हैं 16 ईयर्स मंथ हो गया 11 मंथ एंड 30 डेज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेटेड इफ फंक्शन का, आप एज जो है वह ईयर में निकाल सकते हैं, मंथ्स में निकाल सकते हैं और डेज भी निकाल सकते हैं। सो आई होप कि डेटेड इफ फंक्शन आप सभी को क्लियर है। यदि कुछ भी क्वेरी हो, इफ़ एनी क्वेरी इफ़ यू हैव, यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स। कुछ और भी आप सीखना चाहें तो यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स, सो दैट कि मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।